F. Mandlik is director of Live Pages Infotech Private Limited company based in Mumbai. He tells our Cobra Post reporter that social media is massive work. There is no limit to what one can do with it. Just figure out your budget. सोशल मीडिया और जैसे कि सोशल मीडिया में आप क्या एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर सकते, मतलब आप गूगल पे जाके एड्स तो नहीं डाल सकते क्लिक वाले, पर आपको फेसबुक वगैरह पे वहां पे मतलब वो लाइक्स बढ़ाना, मतलब वो उतने लोगों के पास जाना, ये काम कम नहीं है, ये मैसिव काम, बड़ा काम है। मैंने शायद आपसे पूछा था कि शायद आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे मतलब आप हमारी ऑफिस देख लीजिए, हमारे लोगों को देख लीजिए, मिल लीजिए, हमारे पास कैपेसिटी है करने की, आपके पास इसका एक्सपेंडिचर का वो होना चाहिए। सर वो कोई इशू नहीं है, आप जो भी चीज चाहेंगे, अगर आपको सेटअप चाहिए, मैं कल क्या बिठा दूंगा, देखो कल मैं पूरा एक डेडिकेटेड SMO टीम बिठा दूंगा आपके लिए, जो सिर्फ आपका काम करेगी। बिठा दूंगा एक HTML से बिठा दूंगा जो प्रोडक्शन निकालेगा, फोटो वीडियो एडिट वेडिट करने वाला आपको, एक मैनेजर दे दूंगा आपको काम करने के लिए, मतलब आपको एक फुल यूनिट करने के लिए मिल जाएगा, आपको डायरेक्शन दिखाना होगा, बस बस वही चीज चाहिए हमें। Mandlik will set up a team right away to jump start the campaign process. He says, आपको एक full unit करने के लिए मिल जाएगा, आपको direction दिखाना होगा. He tells a reporter about a time when he had set up an entire campaign on Facebook. कि वी क्रिएटेड द होल कैंपेन ऑन फेसबुक, फेसबुक के ऊपर हमने पूरी एक जो पार्टी की मतलब जो भी हम बनाती है ठीक है वो बना दिया, देन देयर आर वेज टू ब्रिंग लाइक्स ऑन टू इट। हाँ तो वो जो टीम होगी वो हमारे यहाँ बैठे वो करे, मतलब उससे हो जाएगा काम, क्या 10-20 लोगों से आपके यहाँ बैठे हैं, आपके लोकेशन पे, आपके लोकेशन पे बैठे या कोई थर्ड प्लेस पे बैठे हैं, मतलब देखिए पीपल विल सिट ओनली ऑन माय लोकेशन, तो आपके लोकेशन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम होना चाहिए हमें, तो रिजल्ट लाइक्स लाइक बढ़ाते जाएंगे, हाँ। वो ये देते जाएंगे, मतलब ये नेटवर्क वायरल नेटवर्किंग, मतलब आपका अगर समझो एक किसी का कुछ जैसे एक जैसे मेरे को मेल आना है तो मैं पूरा न्यूज लेटर्स बना बना के वो भेजते जाएंगे, वो सारा काम करने वाले लोग, हाँ दैट वी कैन गेट उसमें कितने। Mandlik will set up a team in a certain location such that the only business of the team is to generate likes and increase the number of likes. He has the paraphernalia set up for this task. He says, "Mere paas puri network hai." Usme kitne matlab chances hai ki April tak March tak hamare paas mein log aa jayenge, views aayenge, likes ya Twitter pe log kitne aa jayenge? Wo show karne ke liye khali, aisa nahi ki matlab honge bhi hamare liye bhi jude, lekin wo सिर्फ आपको फिगर्स चाहिए ना दिखाने के लिए, जानना चाह रहा हूँ उसके लिए लाइक्स हमको खरीदनी पड़ती है, वही तो मैं मालूम कर रहा हूँ, तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा, डिपेंड करता है कहाँ से लाइक्स ले रहे हैं हम लोग। हाँ तो उसका बजट मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आप ये नोट कर लीजिए इस टाइप का जो ये काम है इसका कितना खर्चा जाएगा। जैसे कि अभी जब इनकी प्रोफाइल पे जाएंगे ना, जैसे वो फेसबुक पेज पे भी जाएगा तो ऐसे दिखाएगा 1 मिलियन लाइक्स, हाँ 10 लाख 5 लाख 2 लाख इतने लाइक्स आ गए, उतने हम ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम जितना मतलब उसमें गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा जितना पैसा। एग्जैक्ट और जो लिखते हैं ट्विटर वाले कि ये अच्छे हैं बढ़िया हैं अच्छी हैं बढ़िया हैं ऐसे, वो सब मैं करवा दूंगा आपको, पूरा करवा दूंगा, मतलब सारा जो है ना ट्विटर के ऊपर जितनी अगर ट्वीटिंग होगी फॉलोअर्स बढ़वाएंगे ये होगा, मतलब की रिव्यू आती जाएगी, वो सब आपको खुद मालूम है कि कोई मतलब मैं किसी को ऐसे नहीं कर रहा, तो लिखवाना ही पड़ेगा। हाँ वो चाहिए, वो मुझे चाहिए बंदे जो लिखे, दूसरा ये था कि इसमें फिर हमारे पास में जो जेन्युइन लोग हैं वो भी आएंगे, वो तो जेन्युइन आएंगे, जेन्युइन भी आएंगे, फिर उसमें जैसे ही हमारा ये बढ़ता चला जाएगा ग्राफ तो वो जेन्युइन भी लोग टकराएंगे फिर उससे, वो भी लोग आएंगे, तो रेशो हमें बढ़ के दिखाना है पार्टी अध्यक्ष को, इनके साथ में 10 लाख 20 लाख लोग ऐसी बहुत सारी साइट्स है mouthshot.com ये वो, उसके ऊपर भी ये सारी चीज जानी चाहिए, रिव्यूज होती है ये चलती है रिव्यू साइट्स है एक बहुत, तो ये आप समझ सकते हैं ये चीजें हमारी समझ में नहीं आएगी कि कैसे कौन सी साइट्स हैं। मैं आपको ना फ्रेंकली बताऊं कि हम लोग ने IPL के वक्त कोक का कैंपेन रन किया, उसमें भी हमको लाइक्स लाने पड़ते थे, तो क्या है कि लोग जब वो लाइक्स देखते तभी जाके उसके ऊपर नजर जाती है, राइट।
तो आज ये करने के लिए ना एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ती है, जो आप मुझसे अब पूछ रहे हैं ना, मेरे को तो पूरा आई हैव टू गेट इनटू द ग्रुप, आई विल फर्स्ट कॉल माय सोशल मीडिया एक्सपर्ट, मेरे यहाँ का जो डिजाइनर बैठेगा, मेरे जो दो चार लोग बैठेंगे, फिर हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि देखो यहाँ से हम लोग 1 लाख लाइक लाएंगे, वहां पे हम लोग 2 लाख लाइक लेके आएंगे, ये बंदा ट्वीटिंग करेगा, ये बंदा वैसे करेगा, यहाँ पे तो ये स्ट्रैटेजी बननी है। तो मैं अपना ऑर्डर इसलिए आपको प्लेस कर रहा हूँ कि आप ये ऑर्डर भी मेरा नोट कर लें। हाँ। मैं जैसे भी समझा पा रहा हूँ आपको। हाँ, सो Mandalik will organize significant visibility on platforms such as Facebook and Twitter. In addition, he will organize content for the campaign on review sites such as mouthshut.com. He will consult the social media experts in his team to set up a strategy for the campaign. You and I may have so far imagined Facebook to be a fun social activity. Listen to the following conversation that uncovers the economics of the media. Mandalik says, 5,000 likes humne diye the unko, 85,000 rupees mein. 5,000 लाइक्स हमने दिए थे उनको 85,000 रुपीज। हाँ, तो आप अभी अंदाजा लगाइए। वही वही के आप मान के चलिए कि एक का मान के चलिए वो आप लगा लिए 5 times 50। हाँ, तो लैक्स में बचेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। कितना हो गया ये? पर ये हम लोग ने अच्छी लाइक्स दी थी उनको, मतलब एक देर वॉज अ ऑनलाइन कैंपेन गोइंग ऑन। अभी अभी मैंने लेटेस्ट रेट बता रहा हूँ आपको, जब मैंने उनको टेक्निकल बंदों की लाइक्स दी है, जेन्युइन लगे, ये नहीं हो कि ऐसा भी नहीं होता कि एक टाइम पे 500। हम लोग जैसे भाई पर डे उतना भी लिमिट भी होती है, तो ये जो जेन्युइन मैंने टेक्निकल एक इलेक्शन विन करवाया था किसी को, तो क्या है कि मेरे को पार्ट में पैसा आ रहा था, इसलिए मैंने वो कैलकुलेट नहीं मान के चले। मान अप्रोक्सीमेटली एक मान के चले, अगर 5,000 हमें पर डे चाहिए, सपोज करके देखिए, अगर 3 दिन तक लिया तो कितना हो गया हमारा, 1.5-2 लाख के आसपास। तो मार्च तक 1 लाख रुपया पर डे का, 1 लाख रुपया पर डे का। अगर हम मार्च तक इसे करते हैं, मार्च तक 5 लाख या 4 लाख या जितने भी वो लाइक आ सकते हैं, फिर आप सोचो ना, मैं पर डे का नहीं उतना, एक साथ में 5,000 लाइक मैं एक दिन में नहीं दूंगा, क्योंकि इनको मैंने ब्रेकअप करके चाहिए मेरे। तो है ना, हम लोग इनको तो हम लोग 250 लाइक पर डे दे रहे थे, तो ऐसे करके वो कैंपेन चला रहे। मान के चलिए अगर मार्च तक करते हैं तो एक रफ आइडिया क्या करना पड़ेगा। अभी तो मैंने एक पार्टी को एंगेज किया था, ऐसे मेरे को 10 पार्टी को एंगेज करना पड़ेगा फ्रॉम वेरियस लोकेशंस, एंड देन क्योंकि वो एक साथ में आता है ना, तो समझ में आ जाता है कि वो नहीं लगना चाहिए। हमें सिर्फ एक लगेगी, हाँ इनके साथ वाकई अध्यक्ष साहब को लगे जुड़ गए हैं, और फिर उसके बाद में इसको कब तक रख सकते हैं, मेंटेन कब तक रख सकते हैं, करके इलेक्शन के बाद तक भी रहेंगे या हट जाएंगे? नहीं, वो रहेंगे, रहेंगे थोड़ी, तो लाइक एक बार हो गया होंगे। आप मेरे को बोलिए कि आपको कौन सी जगह से कितनी लाइक्स चाहिए। अच्छा, वो मैं आपको वो दे दूंगा। चलिए, तो वो मैं उनसे डिस्कस कर लूँ एक बार। आप 5 लाख लाइक का ऑर्डर लिखिए अभी फिलहाल, और ट्विटर So the next time you like something on Facebook, tell yourself that your innocuous activity is someone else's business model. Heavy negotiations happen over such activities and crores of rupees exchange hands in the process. सेल नहीं कर सकता। नहीं, जैसे मैंने श्रेया का बोला, मैं बोला देखो मैं कॉन्टैक्ट है,
मैं उनसे पहले बात करूंगा कि देखो ये बेनिफिट है, अगर आप ट्वीट कर दो दिन में, बस नहीं भी करना चाहते तो आप एक कुछ तरीके से वो कर दो कि वो मैसेज पहुंच जाए, अपने जो फॉलोअर्स उनको मैसेज पहुंच जाए, वो हमारे बारे में लिख दें कर दें। हाँ बस, तो अभी उनकी रेपुटेशन को हर्ट करता है तो वो बोलेंगे नहीं मैं नहीं करना है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का। जैसे मैंने बताया कि जैसे ये न्यूज़पेपर है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। अभी आप तो ये लाइन में तो आपके पास ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन मेरे पास लिटरली केसेस है जो मैं जनरली बता सकता हूँ, प्लस मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि मैं आपको टेक्नोलॉजी नहीं, कौन टेक्नोलॉजी है आपके पास। So, LifePages will use technology to set up an online presence and establish an artificially boosted popularity. In case of any content that is detrimental to the campaign, Mandlik's company also offers online reputation management. What is it? Well, listen in. बोलो तो ना, हम लोग जो सबसे बेहतर काम कर सकते तो उससे हम लोग सी वी शुड नो द वेज टू डू थिंग्स। अगर हमको पता है कि भाई अगर सोशल मीडिया में उछालना है तो हम उछाल सकते हैं। हाँ बोलिए, नहीं हमारे बारे में जैसे वो गलत लिखवा सकता है, कुछ करवा सकता है, तो इसको हम लोग ORM बोलते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो ORM का अगर वो कोई गलत लिख रहा है तो हम उसके अगेंस्ट में सही लिखेंगे। अच्छा, उसको मतलब जवाब देंगे। हाँ ठीक है, वो भी चीज कभी निकालेगा, क्योंकि उनके ऊपर एक दो एलिगेशन है ना करप्शन के, चीज के बारे में लाएगा दिखाएगा तो उसके अगेंस्ट में हम लोग अच्छा लिखेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया ना कि कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में किसी ने गलत लिख दिया कि भाई ये जो डेंटिस्ट है वो एकदम बकवास है, पैसा खाने का इसका ये है वो है, तो एक आदमी ने गलत लिखा है, हम उसके अगेंस्ट में 10 सही लिख देंगे। हाँ एकदम, उसको ORM बोलते हैं। Mandlik is fully aware of the risk he runs when the same team is involved in active campaigning of Netaji as well as negative publicity of his opponent. He says, internet mein sab kuch track hota hai. Agar maine ek jagah likha hua hai ki ye acha aadmi hai, wahi main dusri jagah likh sakta hu ki ye bura aadmi hai. Clearly, Mandlik is right on top of the game. ये भी इनहाउस नहीं होता, हमको 10 जगह से लिखवाना पड़ता है। ओके, अगर ये मतलब किसी के अगेंस्ट में लिखना है तो वो अगेंस्ट में लिखने वाला मेरे को अगेन आई हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि मेरी ये टीम नहीं करेगी वही काम। हाँ, ये इसी भी कराइएगा। हाँ, क्योंकि वो फिर एक आईपी के थ्रू हो जाएगा। नहीं, हम लोग के लिए वो करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट में सब कुछ ट्रैक होता है, जैसे मोबाइल से जाकर ऐसे इंटरनेट का ट्रैकिंग है कि अगर मैंने एक जगह से लिखा हुआ है कि ये अच्छा आदमी है, वही जगह से मैंने लिखा कि ये बुरा आदमी है, वो अलग अलग जगह से कराइएगा। हाँ, दोनों अलग अलग जगह से। देखिए, टेक्नोलॉजी है, उसमें से अगर किसी ने पता करने की कोई चीज कोशिश की तो पता तो कर सकते हैं, पर उसको कितना आगे वो मतलब यू कैन उसको प्रोपेगेंडा करेगा उसको हम कहाँ पे रोक सकते हैं। सपोज आपके खिलाफ अगर कोई लिख रहा है, अगर हमको समझो एक माउथशट साइट है, माउथशट साइट के ऊपर आपके बारे में कोई गलत लिख रहा है, अगर मुझको वो रुकाना है तो माउथशट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर किस तरह का प्रेशर डाला जाए या उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, वो दैट वी। अच्छा, ये भी कोई सिस्टम होता है, ये भी कोई चीज साइड है, ये साइड इस तरह से होगी भी रोक सकती है उसको, अगर वो हमारे बारे में गलत लिखवा रहा है तो हम रुकवा सकते हैं। डेफिनेटली कंट्रोल है तो रुकवा सकते हैं उसमें। Negative campaign here takes a turn for the worse. According to Mandlik, administrators of websites can be threatened with consequences and coerced into removing content that may be unflattering to fictitious Netaji. Mandlik says, "Jo administrator hai, uske upar kis tarah ka pressure dala jaye, ya usko kis tarah se manipulate kiya jaye, that we can work out." Further, he advises his client to always keep cybercrime advisors in his team. If for nothing else, Mandlik should be hired for all election campaigns for the delightful customer care experience even before he signs up a budget. जो साइबर क्राइम के एडवाइजर्स है ना, वो आपके पास होने चाहिए कि आप साइबर वर्ल्ड में अगर खेल रहे हो, आज मैं बोल रहा हूँ कि आप रास्ते में जा रहे हो और जाके आप अगर एक चीज का एक यू आर डूइंग अ कैंपेन,
तो आपको ये तो पता चाहिए कि मैं कानून के दायरे में हूं या नहीं हूं। आप अगर कैंपेन सही कर रहे हो और कानून के दायरे के बाहर जा रहे हो, तो अगर आपके साथ में चार लीगल एडवाइजर्स है कि हाँ बस ये लिमिट तक चला जा, इसको क्रॉस मत करना, क्रॉस करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर क्रॉस कर लिया तो उसका क्या तोड़ है। तो वो जो साइबर लॉ वाले लोग है वो है आपके पास, हमारे साथ बैठते हैं। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये वाला मामला जो है वो साइबर के उसमें क्रॉसिंग वाले में आता है ना, ये वाला जो हम करवा रहे हैं नेगेटिव वाला ये आता है, तो इसके लिए आप पहले उनसे डिस्कस करिए। तो ये साइबर के लिमिट में आता नहीं है, बाहर से करवाना, बाहर से करवाइएगा, उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, इसका तो हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार वो, लेकिन ये अरेंजमेंट आप हमको बाहर से करके। So, if you are in the business of cybercrime, here is a strong note of caution from the cyberspace experts. Always have legal advisors to warn you when you are crossing legal boundaries. And if already crossed, your cybercrime advisors will figure out an escape route for you. Of course, that does not take away from the fact that the activity under consideration is totally outside the legal boundary. But that does not matter, as long as business keeps trickling in at LifePages Consultancy Firm.